एमसीक्यू, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हम कराएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे। अगर आपका इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे पहले जो वीडियो हमने डाली है उसे देख लीजिए, उसमें आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चले करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, इतने के एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका जो आंसर है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में पहले दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इसका आंसर जो है वो पहले ही दे सकते हैं। तो पहले तो जो इक्वेशन दी हुई है इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयरिंग करेंगे, ये व्यापक द्विघात का समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे। अब देखिए तुलना कैसे करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, और यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक है लैम्डा। तो इस तरह से हम इसकी तुलना करेंगे, यानी ए बराबर आ गया लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, टू एच, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस के फाइव। यहाँ पर वाई स्क्वायर गुणांक कितना है, बी, और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर गुणांक कितना है, फाइव, तो बी बराबर आ गया फाइव। इसी तरह से एक्स का गुणांक देखिए, एक्स का गुणांक है यहाँ पे टू जी, और यहाँ पे एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो वन माना जाता है। इसी तरह से वाई का गुणांक यहाँ पे टू एफ है, वहाँ पे वाई का गुणांक है माइनस के तीन, और सी वो उसमें है नहीं, तो नहीं है तो जीरो रख देंगे। तो यहाँ से एच बराबर आ जाएगा माइनस के फाइव अपॉन टू, और जी बराबर आ जाएगा वन अपॉन टू, और एफ बराबर माइनस के थ्री अपॉन टू। ठीक है, अब चूंकि देखिए क्या है, ये सरल रेखा युग्म प्रदर्शित करता है, तो कोई भी व्यापक द्विघात समीकरण जो है सरल रेखा युग्म निरूपित करता है अगर विवेचक इज इक्वल टू जीरो। विवेचक बोले तो ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर जीरो। तो ए बी सी ए सब वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, पुट करने के बाद सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू आई टेन अपॉन नाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर टू स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, सरल रेखा युग्म, तो ये मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। प्रदर्शित रेखाओं में से एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की दुगुनी है, यानी कि मूल बिंदु से जाने वाली जो दो रेखाएं उसमें एक की जो प्रवणता है वो दूसरे की प्रवणता की दुगुनी है। अगर एक m है तो दूसरे की जो प्रवणता हो जाएगी वो 2m हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन होगा, तो इसके लिए देखिए हम जानते हैं प्रवणताओं का योग, यानी कि m1 प्लस m2 बराबर होता है माइनस का 2h अपॉन b। ठीक है, और गुणनफल होता है m1 गुणा m2 बराबर a अपॉन b। तो इन दोनों की हेल्प से हम m1 m2 की जगह ये तो वैल्यू है ये यहाँ पर रख देते हैं, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3m, और माइनस के देखिए h के स्थान पे h ही है 2h अपॉन b, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई माइनस के 2h अपॉन b। ठीक है, यहाँ से इसी तरह यहाँ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b, m स्क्वायर की जगह यानी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो एट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एट सी इसका राइट आंसर हो गया। तो हम देख भी लेते हैं कि इसका आंसर, ठीक है बिल्कुल सही है, इसका जो राइट आंसर है वो सी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन है, रेखा इतने एक द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये तो रेखा युग्म है, यानी मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं निरूपित करती है। कैसे, इस टाइप की मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं ऐसे, और जो दूसरी रेखा वो इस टाइप की है, तो इनका जो ये एरिया है ये हमें निकालना। तो इसके लिए पहले जो पहली इक्वेशन है इसकी तुलना करेंगे हम इससे, ए एक्स स्क्वायर
प्लस टू एच एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर बराबर जीरो से, और दूसरे की तुलना करेंगे हम ए एक्स एल एक्स प्लस के एम वाई प्लस एन बराबर जीरो से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना है, तुलना करेंगे एक्स का कोएफिशिएंट ए बराबर वन हो जाएगा और एच बराबर आ जाएगा टू और बी बराबर आ जाएगा वन। यहाँ से एल कितना हो जाएगा, एल बराबर वन हो जाएगा और एम बराबर भी वन हो जाएगा और एन बराबर भी वन हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है देखिए क्षेत्रफल का, आपको याद होगा मैंने लिखवाया था, एरिया बराबर होता है एन स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन यह फॉर्मूला ई एम स्क्वायर माइनस के टू एच एम एल प्लस के बी एल स्क्वायर। तो इसको याद करने का मैंने तरीका ही बताया था, x के स्थान पे m रख दिया देखिए ई एम स्क्वायर और y के स्थान पे l रख देंगे व्यापक इक्वेशन में। तो ये फॉर्मूला है इसमें, अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यू ऊपर निकाली वो यहाँ रख देंगे, आंसर इसका हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमने सब निकाल के रख ली है, एरिया का ये फॉर्मूला लगा दिया, मोड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको हमने देखिए सॉल्व किया तो रूट थ्री अपॉन टू यानी राइट आंसर इसका आ गया सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार लीजिए। क्वेश्चन नंबर चार स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर चार क्या है, क्वेश्चन नंबर चार है सरल रेखा युग्म ये यानी कि मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाओं का संयुक्त समीकरण, प्रदर्शित रेखाओं के मध्य कोण अर्धक ये है से प्रदर्शित किया जाए तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम जानते हैं जो ये इक्वेशन ऊपर दे रखी है इसके कोण अर्धक का समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच ये होता है। और एक हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के पी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं कोण अर्धक, इसके कोण अर्धक और एक हमें दे रखी है, एक हम जानते हैं ये, तो दोनों एक ही होंगी। जब दोनों एक ही होंगी तो पहले तो काम ये है कि जो दी गई है उसे इस फॉर्म में चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे, इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे माइनस के पी एक्स वाई और ये एच यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसे इस फॉर्म में चेंज करने के लिए करना पड़ेगा हमें एच इधर पहुँचा दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का पी यहाँ जाएगा और देखिए एक्स वाई अपॉन एच। तो देखिए राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम टू सेम बन गई है, यहाँ भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम बन गया है। अब क्या बचा, ये है बचा, तो इसका मतलब ए माइनस बी बराबर कितना आ गया माइनस के पी, यानी कि ए माइनस बी बराबर आ गया माइनस का पी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पी हमसे पूछा तो ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, बी इसका राइट आंसर देगा, लेकिन आंसर दिया हुआ है सी, तो इसका मतलब हमारी यहाँ पे देखिए ए अच्छा माइनस का था तो माइनस का होगा, तो जब ये पी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बी माइनस ए यानी कि सी आंसर इसका होगा। ठीक है, इसलिए देखो जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है, इसलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेट होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हल्की सी चूक से पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हल्की सी चूक होने से आंसर सी की जगह बी हो जा रहा था, तो यहाँ पर ये आंसर चौथे का हो गया सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव तो लीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। समीकरण इतने एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो लैम्डा का मान याद कीजिए। तो सरल रेखा युग्म को ये जो है दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, और देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, तो ये दो सरल रेखाएं तभी निरूपित करेगा जब विवेचक इक्वल टू जीरो होगा। विवेचक बोले तो डेल्टा, और ये डेल्टा का मतलब होता है ए बी सी प्लस के टू एफ जी एच माइनस के ई एफ स्क्वायर माइनस के वी जी स्क्वायर माइनस के सी एच स्क्वायर बराबर जीरो, इसे हम विवेचक बोलते हैं। ठीक है, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए तो ये जो है दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, कैसी, वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, इस टाइप की दो सरल रेखाएं निरूपित करता है अगर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आ जाए, और नहीं आता डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आता तो इसका मतलब ये इस टाइप की रेखाएं निरूपित नहीं करता। अब इस टाइप की रेखाएं निरूपित नहीं करता तो क्या करता है, वो करेगा बृहत परवलय अति परवलय दीर्घवृत्त, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की सारी वैल्यू रख देंगे, देखिए ए बराबर है तीन बी बराबर है दस, तो आप डायरेक्ट रखें अगर प्रैक्टिस आपकी हो रही है, सी बराबर है के ऐसे रखें, एफ की जगह एफ तेरह बटे दो
आप डायरेक्ट रख सकते हैं इस तरह, क्योंकि आगे हमें इतना टाइम नहीं होता है। जी की जगह 7/2, एच की जगह आ जाएगा 11/2, माइनस ए एफ स्क्वायर यानी ए की जगह है 3, एफ की जगह है 12/13/2 यानी कि 169/4, माइनस बी जी स्क्वायर बी की जगह है 10 और जी की जगह आ जाएगा 7/2 यानी कि 49/4, माइनस सी एच स्क्वायर सी की जगह है के और एच की जगह 11/2 11/11 121/4। ठीक है, 4 एलसीएम लेके इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये हमने बिल्कुल सॉल्व किया है इसको, 4 एलसीएम लेके सोलो के इज इक्वल टू आ गया 4, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, समीकरण इतने द्वारा निरूपित रेखाओं के मध्य कोण अर्धक ही है। देखिए ये बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन हमने कराया था बिल्कुल सेम वही है, दोबारा रिपीट हो गया, तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर डालोगे। तो सबसे पहला काम क्या है, जो समीकरण दे रखी है इसके कोण अर्धक का समीकरण लिख लो। तो इसके कोण अर्धक का समीकरण हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए की जगह कितना 1 और बी की जगह कितना माइनस बी होता तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है एक्स वाई अपॉन एच, एच की जगह है माइनस का ए। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं और एक क्वेश्चन में दे दिया देखिए ये वाला, तो इसका मतलब ये दोनों कैसी होंगी, सेम टू सेम होंगी। जब सेम टू सेम होंगी तो हम इनकी कंपेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन कंपेयरिंग कैसे करेंगे, पहले इसे बिल्कुल इसी की फॉर्म में कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2b एक्स वाई, बिल्कुल सेम टू सेम इसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या माइनस, अच्छा तो ऐसे कर लेते हैं इसे आगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर जो होना चाहिए 2b, अब a तो यहाँ पर है नहीं, इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं बन है, तो यहाँ पर कोई चीज़ सेम कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर b को हम इधर ले जा रहे हैं ना, b को ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से हटा देंगे ये हो जाएगा 1/b। देखिए लेफ्ट को सेम टू सेम हो चुकी है, देखिए इसकी भी लेफ्ट को सेम है, इसकी भी लेफ्ट सेम है, तो राइट भी सेम होंगी। राइट कंपेयरिंग कर लीजिए इसकी, देखिए कंपेयरिंग करेंगे यानी कि माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/b, तो इससे कौन सा वाला आंसर आ जाएगा, इससे आ जाएगा ए बी प्लस 1 बराबर 0, ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये भी हमने सॉल्व भी किया है बिल्कुल सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ और आपको केवल करना है, तो इसलिए आप मेरे से पहले इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक वीडियो डाल दी है, अगर आपने वो अच्छे से कर ली होगी तो इनके आंसर आप निकाल सकते हैं। सरल रेखा द्वारा प्रदिश सरल रेखाओं के मध्य कोण, तो देखिए ये जो है प्रदिश रेखाओं के मध्य कोण हमें निकालना, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा, मोड लगा देते हैं, मोड क्यों लगाते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि दो रेखाओं के मध्य ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कोण निकल कर जाए। अब देखिए जब दो रेखाएं इस तरह काटती हैं तो दो कोण होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक न्यून कोण होता है एक अधिक कोण होता है। मोड लगाने का मतलब ये है कि हमें न्यून कोण निकालना, मोड नहीं लगाएंगे तो ये दोनों कोण शो करेगा, न्यून कोण भी और अधिक कोण भी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, देखिए 2 एच की जगह कितना है, यहाँ पर देखिए एक्स वाई का कोफिशेंट होता है 1/2 यानी 1/4, माइनस ए बी ये 6 है, और बी की का मतलब वाई का गुणांक माइनस 1 है तो ये प्लस का बन जाएगा, अपॉन ए प्लस बी यानी कि 6 माइनस 1। ये बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद देखिए राइट आंसर आ गया इसका 5/4 यानी कि इसका बी इसका राइट आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द्वारा प्रदर्शित दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंबवत है। अब देखिए रेखाएं लंबवत होती हैं तो हम इसे डायरेक्ट करने के लिए ये कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी बराबर 0, यानी कि दो सरल रेखाएं तब लंबवत होती हैं जब एक्स का गुणांक प्लस वाई का गुणांक बराबर 0। ठीक है, जब इस तरह की इक्वेशन मिक्सअप हो तो हम इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें इसको पूरा क्लियर करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक कितना है, तो देख लीजिए पूरी इक्वेशन में देख लीजिए एक्स का गुणांक कितना आएगा। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो एक्स का गुणांक आएगा साइन स्क्वायर अल्फा
एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना आएगा, देखिए जब मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो बस क्या होगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये आ गया एक्स का गुणांक। उसके बाद देखिए वाई का गुणांक यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है। अब देखिए यहाँ पर वाई का गुणांक क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, वाई स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इधर आके अच्छा प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया था। हाँ सही था, ये हमने क्या कर दिया, ये कर दिया माइनस था। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा इधर ले जाएंगे, ये हो गया ये, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बराबर वन। वन किसकी वैल्यू होती है, वन होती है टेन पाई बाई फोर की, या टेन स्क्वायर पाई बाई फोर की। अल्फा बराबर आ गया पाई बाई फोर, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, बी ही इसका आंसर है। अगर आपको डिटेल से करना है तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम डबल डबल क्वेश्चन क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल से कर देते हैं, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि सब आपकी तरह होशियार हो, कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं जो तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा शॉर्ट करना समझ से परे हो जाता है। इसलिए मैं क्वेश्चन को पूरे डिटेल से भी करा देता हूँ, जिससे अगर वो वहाँ पर समझ में नहीं आया तो इस डिटेल सॉल्यूशन को देख लें। तो आप देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बिंदु इतने से सरल रेखा इतने पर डाले गए लंबों का गुणनफल। अब देखिए कोई ये बिंदु दे रखा हो एक्स वन वाई वन, और एक रेखा यू ये दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर बराबर जीरो, पर डाले गए लंबों का गुणनफल यानी कि पी वन गुणा पी टू। तो इसका सीधा फॉर्मूला है क्या है, यहाँ पे एक ये एक्स की जगह एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा प्लस के टू एच एक्स वन वाई वन प्लस के बी वाई वन स्क्वायर आ जाएगा, और अपन में क्या है ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, मैंने बताया भी था इस तरह से आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर सारी वैल्यू हम रख देंगे, ये तो हो जाएगा एक्स वन बाई वन पहला, ये हो जाएगा एक्स वन बाई वन, और ये यहाँ पे ए ए बराबर यहाँ पर रख देंगे दो, और बी बराबर बी दो, और एच बराबर माइनस के पाँच बटे दो। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है। तो देखिए पहले इतने से डाले गए लंबा गुणनफल का फॉर्मूला ये है, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सारी हम इनकी तुलना करेंगे, तुलना करके सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे हमने यहाँ लिख दी हैं ऊपर, तुलना करके यहाँ रखेंगे, सॉल्व करके ये आंसर चार आ जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो गया। लीजिए फिर आ गया देखिए क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, ये एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सरल रेखा युग्म तब निर्दिष्ट करता है जब विवेचक जीरो हो। विवेचक का मतलब देखिए पहले ही बता चुके हैं, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ तो आपको भी जब तक फॉर्मूले याद ना हो जाए तो इनको बार बार बोलें, जितना बोलते हैं उतना ही याद होता है। ठीक है, तो बार बार लिखें बोलें, तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मूला एक बार आ गया तो आप उसको बोले नहीं, तो अगर आप लिखें ना बोले जरूर। तो ए बी सी प्लस टू एफ जी एस माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, देखिए ए के स्थान पर के है, आप यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट रखेंगे। बी के स्थान पर वाई स्क्वायर का गुणांक है यानी कि माइनस वन, और सी के स्थान पे क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है वो इसमें है नहीं तो जीरो हो जाएगा, प्लस के टू एफ टू 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 जी एस टू प्लस टू एफ वाई ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉइंट टू। जी के स्थान पे है वन, एच के स्थान पर एच वाला टर्म इसमें है ही नहीं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का ए एफ स्क्वायर यानी कि के एफ की जगह टू जी एस टू एफ वाई वन अपॉइंट टू यानी वन अपॉइंट फोर, माइनस बी जी स्क्वायर बी माइनस वन है जी स्क्वायर जी यहाँ पर है वन, और ये माइनस का सी एच स्क्वायर तो सी के स्थान पर यहाँ पर जीरो है इसलिए आएगा पूरा जीरो हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व की होगी, यहाँ पर हमने देखिए कंपेयरिंग करी पहले और यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दी, और जो सी की जो वैल्यू है वो के की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस का फोर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देखिए समझते हैं।
क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर वन एक्स माइनस वाई बराबर चार का संयुक्त समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, जब दो इक्वेशन हमें दे रखी हो y बराबर एम वन एक्स प्लस के सी वन, दूसरी y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस के सी टू, और हमें संयुक्त समीकरण निकालना हो तो मैंने बेसिक वीडियो में बताया था इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं इसको, राइट हैंड साइड में दे रखा तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे ऐसे, तो ये जो कहलाता है संयुक्त समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के स्थान पे ये दे रखा है तो इसका संयुक्त समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस वन इंटू दूसरा एक्स माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। राइट आंसर इसका हो गया सी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे है, क्या है क्वेश्चन देखिए पढ़ेंगे। क्वेश्चन है बायक्ष, बायक्ष का मतलब होता है, बायक्ष का मतलब होता है एक्स बराबर जीरो, ये बायक्ष का समीकरण होता है, एक्स बराबर वन और एक्स बराबर वन का संयुक्त समीकरण, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इसे हम लिखेंगे एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी राइट आंसर हो गया ए, इसका राइट आंसर हो गया। देख लेते हैं, देखिए ये इसका ए, इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है समीकरण इतने दो संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो अब देखिए संपाती से मतलब होता है ये जो होता है मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाएं निरूपित करता है, कैसी, एक यहाँ से जाने वाली, और संपाति का मतलब है जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर लेटी हुई है, यानी कि ऊपर वाली रेड लाइन है वो भी यहाँ पर, देखिए पीली और लाल लाइन जो है ये दोनों संपाति हैं। ठीक है, तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो उन्हें संपाति कहते हैं, और संपाति की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है आपको पता होगी, फिर मैं बता दूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो, या इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी की। ये मैंने देखिए बहुत अच्छे से जो बेसिक वीडियो वहाँ पर समझाया था, अगर आपने वो बेसिक वाली वीडियो देखी होगी तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एच की जगह कितना है, इसका आधा कर देते हैं एच की वैल्यू, यानी दो दूनी चार भर कर दिया, ए की जगह वन है, बी की जगह कितना के है, लॉजिक के बराबर चार, यानी कि सी इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लीजिए 14 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझा जाएगा, क्वेश्चन समझेंगे तो आंसर देंगे। समीकरण इतने द्वारा प्रदर्शित प्रवणताओं का योग चार है। देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या है पहले वो लिख लेते हैं, यानी कि वन, और एच बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देते हैं, एक्स वाई के गुणांक का जो भी दे रखा हो उसे आधा कर दो डायरेक्ट, ये टेन आ गया, और बी बराबर कितना आ गया माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, प्रवणताओं का जो योग होता है m1 प्लस m2 माइनस के 2h अपॉन b होता है। अब यहाँ प्रवणताओं का योग कितना दे रखा, चार, तो इसकी जगह आप चार रख देंगे, और 2h, h देखिए अभी निकाला हमने ताज़ा ताज़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे टेन ए, और b की जगह कितना रख देंगे माइनस वन, तो दो दुनी चार, ये इधर चला जाएगा, ये बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस का, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप इसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं, ये हमने इसका डिटेल से कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो लीजिए आ गया 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझें, यदि ये दो लंबत रेखाओं को निरूपित करता है तो ए बराबर याद कीजिए, लंबत रेखाओं को निरूपित करता है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर गुणांक इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट कर दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक 12 प्लस वाई स्क्वायर गुणांक ए बराबर कितना आएगा जीरो, तो ए बराबर आ गया माइनस 12, लीजिए आ गया आंसर डी, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 था, ये तो कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये आ गया है, ये तो वही है 15 16। ठीक है, इतने से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब देखिए इससे निर्मित हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सीधा फॉर्मूला जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो क्षेत्रफल निकालने से पहले इस रेखा को थोड़ा सा तमीज से लिख लेते हैं, कैसे, देखिए पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर 9xy प्लस के वाई स्क्वायर, ये तमीज से लिख गया, यानी कि ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर
प्लस टू एच एक्स वाई प्लस के बी वाई स्क्वायर बराबर जीरो। और जो लाइन है उसको भी देखिए, वाई माइनस नाइन लिख लीजिए। लाइन क्या होती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर जीरो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये होता है एन स्क्वायर अंडर रूट। देखिए मैंने फिर बताया कि इसको आप बोलिए लिखिए, बार बार बोलिए लिखिए तभी याद होगा, और बोलेंगे लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। क्या बताया था हमने, इसकी जगह क्या कर देते हैं, एम स्क्वायर एम रख देते हैं, और यहाँ पे माइनस का लग जाता है टू एच एम एल और प्लस की बी एल स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आंसर इसका आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वैल्यू चाहिए चाहिए, पहले का क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन हो गया ये था, ये वाला 16 यहाँ पे ही आ गया। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू यहाँ रख दी, तो आंसर आ गया 27/4, यानी कि राइट आंसर आ गया इसका ए। ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निर्देश सी अक्षों के समांतर, यानी निर्देश अक्षों के समांतर, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ए कोमा बी, ए कोमा बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स अक्ष के जो समांतर रेखा होगी वो ये वाली होगी, और इसका समीकरण क्या होगा, मूल बिंदु से दो ए कोमा बी है तो ये वाली जो दूरी होगी वो बी हो गई, वाई बराबर बी, यानी कि इसका समीकरण हो गया वाई माइनस बी, ठीक है। और इस बिंदु से वाई अक्ष के समांतर रेखा ये वाली होगी, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है, तो समीकरण हो जाएगा इसका एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए। सही समीकरण निकालने के लिए इनकी गुणा कर देंगे, यानी कि एक्स माइनस ए गुणा वाई माइनस बी बराबर जीरो, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो कौन सा है इसका, एक्स माइनस ए वाई माइनस डी इसका राइट आंसर, ठीक। तो चाहे तो इसे हम देखिए डायरेक्ट भी ले सकते हैं, एक्स एच के समांतर रेखा समीकरण होता है बाई, तो बाई वाला कोऑर्डिनेट रख दो, यानी कि बाई बराबर बी आ गया। एक्स एच के समांतर वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण होता है एक्स बराबर के, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे ई है, एक्स बराबर ई। अब इनके आपस में गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो गया डी। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या है, एक्स के समांतर रेखा एक्स इजिकल टू ए, यानी यहाँ जो पॉइंट है एक्स, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, वाई एच के समांतर रेखा समीकरण होता है एक्स बराबर के की जगह है बी, इनकी मल्टीप्लाई कर दी आंसर आ गया। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी आ गया। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इतने से गुजरने वाली कोई रेखा अक्षों पे समान अंत्यखंड काटती है, तो इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अक्षों पे जो समान अंत्यखंड काटती है वो समीकरण ये होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर वन, क्योंकि अंत्यखंड समान काट रही है तो यहाँ दोनों ए हो जाएगा। अभी कहाँ से जा रही है, वन को माइनस टू से, तो यहाँ से इसे गुजार दो, एक्स के स्थान पर वन रख दो और वाई के स्थान पर माइनस टू रख दो, तो देखिए यहाँ से सोल्व होके आ जाएगा ए, तो ए बराबर आ गया माइनस का, और इस ए को उठा के यहाँ पर रख दो शुरू में, तो आंसर आ जाएगा हमारा तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन बराबर वन, तो यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो एक्स प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, तो देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे आ गया। अगर आपको आंसर आता तो आप बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। आप केवल ऑप्शन लिख दें 19D, ठीक है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं, 19D 19A ऐसे लिख दें। तो आप जैसे 19वां क्वेश्चन आने वाला है, तो अगर आपको आंसर आता है तो 19A B C D जो भी आंसर है उसका लिख सकते हैं। लीजिए 19वां क्वेश्चन आ गया है। क्या है क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के समीकरण ये है और ये, तो इसका एक विकर्ण का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको वैसे तो बहुत लंबा क्वेश्चन ये है, लेकिन TGT में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको शॉर्ट में हमें करना, तो कैसे करना है, तो पहले तो हम इसके फैक्टर शॉर्ट में करेंगे। देखिए इसके फैक्टर देखिए ये आ गए, बस हमें क्या करना है एक्स माइनस इस ऐसा कुछ करना है कि जोड़ के 7 आए गुणा करके 6 आए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 1। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 6 × 7 आ गया, उनकी गुणा करेंगे 6 × 1 की, ये 6 आ गया, ये हो गया फैक्टर, ठीक है। इसी तरह से दूसरी वाली है, देखिए इसके भी फैक्टर ये आए, हमें लंबे नहीं करने डायरेक्ट करने हैं, तो लीजिए ये हो गए 10 × 40 हो जाएगा, यानी कि y माइनस 10 और y माइनस 4, 4 × 10 = 14, और उनकी गुणा करेंगे 4 × 40, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है, x बराबर 6 आ गया, x बराबर 1 आ गया, y बराबर 4 और y बराबर 10,
ठीक है। तो x बराबर वन क्या होता है, x बराबर वन होता है 22 के समांतर रेखा का समीकरण मूल बिंदु से एकमात्रक दूरी पे, और दूसरी छह ये भी 22 के समांतर रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से छह मात्रक दूरी पर। ये y बराबर चार क्या है, एक्स एक्स के समांतर, अच्छा ये 22 के समांतर था, यह है एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण मूल बिंदु से चार मात्रक दूरी पे, y बराबर चार, और ये क्या है एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण मूल बिंदु से 10 मात्रक दूरी पे, वाई बराबर 10। अब जरा ध्यान समझना, ठीक है, ये समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लग रहा बनना, तो अब तक आंसर लिख गया होता। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा इसके, देखिए पॉइंट होगा 1, 10, ये एक्स 1/10, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पहले हमेशा एक्स का पॉइंट लिखा जाता फिर वाई का लिखा जाता, इस तरह ये पॉइंट कितने हो जाएंगे, पहले एक्स का पॉइंट लिखिए 6, 4, और यहाँ पे एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 4। अब देखिए हमें ये पॉइंट तो वैसे यहीं से निकल गए थे, सीधे यहीं पर देख लीजिए यहीं भी पॉइंट आ गए थे। अब क्या करना हमें, जिस इक्वेशन में अगर देखिए ये पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो एक पॉइंट को रख के देख लीजिए, पहले ये रख के देख लीजिए, ये रख के देखना तो फिर इसको नहीं रखना, क्योंकि हमें विकर्ण को बताना है विकर्ण का समीकरण कौन सा है, अगर यही नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ये भी नहीं करेगा। तो एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 × 1, वाई के स्थान पर 10 रखेंगे तो 5 × 10, 10×50, 6 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ये आंसर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसको रख, दूसरे वाले का रख के देखेंगे, एक इसका भी रख के हाथों हाथ देखते रहिए, एस की जगह 6, 6×36 और 10×50, ये पहला वाला तो आंसर है नहीं कोई किसी भी कीमत पर। अब इसे और चेक कर लीजिए, ठीक है, दोनों में दोनों ही पॉइंट रख के देखना है एक साथ, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इस वाले में रख के देखते हैं, ठीक है, तो एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये आएगा 5, वाई के स्थान पर 10 रखेंगे आ जाएगा 10×60, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, यानी कि ये वाला आंसर भी नहीं है। ये रख के देखते हैं 6×50 और 10×60, ये भी नहीं कर रहा, यानी कि ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, ना तो ये वाला आंसर है ना ही ये वाला। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, एक्स के स्थान पे 1, एक्स के स्थान पे, अच्छा यहाँ आ गया, एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो माइनस का 6, वाई के स्थान पे रखेंगे 10×50, नहीं कर रहा है। अब ये वाला रख के देखेंगे, एक्स के स्थान पे 6×36 और 10×50, 36×50, 14, ये भी नहीं कर रहा, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा बचा, और डी ही हमारे पास ऑप्शन बचा, ठीक है। तो वैसे पूरा डिटेल से करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने पूरा डिटेल से कर दिया है, तो आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस तरह से करें, ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निरूपित रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी मध्य कोण निकालने के लिए आ जाए तो एक बार पहले चेक कर लो कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो गुणांकों का योग है वो जीरो तो नहीं है, जीरो होने से क्या होता है डायरेक्ट 90° हो जाता है, तो ये आप ओरली चेक कर लें। देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ये है, कोण निकालने से पहले एक बार ओरली ये देखते हैं, और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो ये है साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए इनका जोड़ जीरो तो नहीं आ रहा, तो जीरो हमने देखा कॉस स्क्वायर थीटा होता 1 − sin² θ − 1 + k sin² θ, देखिए कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, जीरो आ गया, तो इसका मतलब इंच की जो निरूपित रेखाएं हैं उनके मध्य जो कोण है वो कितना है π/2, ये एंगल हो गया, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए आप, जब भी एंगल पूछे तो देख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो जीरो तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने करके दिखा दिया, ए प्लस बी बराबर जीरो आ गया, तो इसका मतलब कैसा हो गया लंबवत, ठीक है। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 लीजिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 21, रेखा योग के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी देखिए बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, वाई का गुणांक कितना है -1, टोटल कितना आ गया 0, तो आंसर कितना हो गया π/2, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो गया। तो इसे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, π/2 यानी सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 ये आया, क्या है क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इतने से निरूपित रेखाओं में से एक की प्रवणता दूसरे की प्रवणता की 4 गुनी है, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रवणताओं का योग m1 + m2 − 2h/b, लिखिए बोलिए जितना लिखना है उतना लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा, तो बोलने से क्या होगा फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और रिवीजन करना चाह रहे हैं, अगर आपको आता है तब भी बोलिए, ठीक है, तो बार बार बोलने से क्या होगा इसके फॉर्मूले याद होंगे। एक प्रवणता दूसरे की 4 गुनी है, 4 गुनी का मतलब m2 = 4m हो जाएगा, माइनस के 2h, 2h कितना होता है x का गुणांक, तो ये हो जाएगा 10, b जो होता है y का गुणांक 1, तो लीजिए यहाँ से आ गया m = −2,
यहाँ से एम वन की जगह एम रखा, एम टू की जगह कितना रखना, फोर एम रखा। ए क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ए है। वाई स्क्वायर का गुणांक कितना, वन है। एम की जगह यहाँ पर दो रख देंगे, एम स्क्वायर हो गया। एम की जगह दो रख दो दूनी चार, ए बराबर आ गया 16। ए बराबर कितना आ गया, 16। तो 16 है कहीं पे, ये है ए, इसका राइट आंसर हो गया। तो लीजिए 22वां क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 23वां क्वेश्चन। तो 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तो लीजिए आ गया क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन, इतने से निरूपित रेखाओं के बीच का कोण टेन बस एम हो, तो ये ज्ञात करो। तो भाई देखिए, इनके बीच का कोण हम जानते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 2√ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये होता है कोण, ठीक है। तो थीटा हमें दे रखा है पहले से ही, थीटा के स्थान पे हमने रख दिया, थीटा के स्थान पर देखिए, थीटा दे रखा हमें टेन इनवर्स एम, हमें ये दे रखा है, थीटा के स्थान रख दिया हमने। एच कितना होता है, एक्स वाई का गुणांक, एक्स वाई का गुणांक इसका आधा कर देते हैं, ठीक है, 5/2 यानी 25/4 सॉर्ट करना जी। ए बी एक्स का गुणांक इंटू वाई का गुणांक यानी 2/14 हो गया, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2/14। अब यहाँ पर देखिए 5/2 होगा, 5 हो गया। अब क्या करना, ए प्लस बी यानी कि 2+7। अब यहाँ से 10 बस 10 हट जाएगा, ये हो जाएगा 14m, और यहाँ पर दोबारा का ये 4 कट जाएगा, और 14 चौका 56, 14 8 44, 14 चौका 56, 56 में से 25 घटा देंगे आएगा। अच्छा ए बी की गड़बड़ हो गया, 2 3 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि ए के स्थान पे 2 है, बी के स्थान पे 3 है, 6 6 24 यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो एम बराबर हो गया 2, ये बी के स्थान पर 3 था, 3 2 5 हो गया, तो 1/5 आ गया, 1/5 यानी कि ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लीजिए 24 क्या है क्वेश्चन, पहले समझें। इतने से दो लंबत रेखाओं को निरूपित करें, तो भी लंबत रेखाओं को निरूपित करें तो मोड ए की वैल्यू याद कीजिए। हम जानते हैं 4 परपेंडिकुलर क्या होता है, ए प्लस बी बराबर 0। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू हम ये निकाल कर रख लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब चूंकि ये दो परपेंडिकुलर रेखाएं निरूपित कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जब ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ये तभी करेंगी जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि क्या हो, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस के ए एफ स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर माइनस के सी एच स्क्वायर बराबर 0, तो तभी ऐसा होता है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ए के स्थान पे तो ए ही रखना है, लेकिन बी के स्थान पे क्या रख देना, माइनस बी, ठीक है, और सी के स्थान पे यहाँ से तुलना कर निकाल लेंगे पूरा, ए बी सी और 2fgh की वैल्यू, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट रख करके तो ए की जो वैल्यू है वो हमारी निकल के आ जाएगी। तो ए स्क्वायर बराबर, देखिए लास्ट में इस तरह से कुछ निकल के आएगा, ए स्क्वायर को हम ले सकते हैं मोड ए का स्क्वायर बराबर 16। अब मोड ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4, क्योंकि देखिए मोड निकाला रहा, तो इसका मतलब नेगेटिव में नहीं लिखना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व किया है, आप इसे देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए देखते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, तो लीजिए क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बड़ा आसान है और कई बार हो चुका है, तो मैं समझता हूँ इसे आप कर डालोगे। यदि ये एक रेखा युग्म को निरूपित करता है तो लैम्डा का मान याद कीजिए। अब देखिए ये रेखा युग्म को निरूपित करता है, तो आप जानते हैं वो अभी अभी बिल्कुल जो अभी बताया था बिल्कुल वही फिर लगा दीजिए। अब आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कोई कई क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। रेखा युग्म निरूपित करता है, तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस के ए एफ स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। तो ए के स्थान पर कितना है, यहाँ पे 1 है। बी क्या होता है, वाई स्क्वायर गुणांक लैम्डा। सी क्या होता है, यहाँ पे 2 है। 2fgh, एफ होता है 2gx 2fy यानी ये हो जाएगा 5/2 माइनस का। जी होता है एक्स का गुणांक 3/2। एच एक्स वाई का गुणांक माइनस 3/2 माइनस ए एफ स्क्वायर, ए के स्थान पे है 1। एफ के स्थान पे देखिए यहाँ पर इसका वर्क कर दीजिए, यहाँ से 25/4 माइनस बी जी स्क्वायर, बी के स्थान पे है लैम्डा, बी जी जी के स्थान में ये है 3/2, 3 3 यानी 9/4 और
माइनस सी एच स्क्वायर, सी के स्थान पर है दो और एच के स्थान पर है तीन बटे दो, तो तीन तीन नौ बटे चार, चार कॉमन लेके बटे में चार एलसीएम लेके इसे कल्पना देंगे लैंडा क्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये कैलकुलेट किया है, तो सोल्व करने के बाद देखिए लैंडा की जो वैल्यू आ गई वो दो आ गई, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। तो यहाँ पर देखिए हमने 25 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के होते हैं वो सब यहाँ पे दे दिए, और मैं समझता हूँ आपकी अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई होगी। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट में। हम हर संडे रात्रि 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उन पे हम डालते हैं, आप उनको टच करके टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।